नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं सोलारिस। तो बेसिकली ये इंस्टॉल करना चाहते थे हम सिस्टम पे, बट उसका यूएसबी इंस्टॉलर पता नहीं क्यों काम नहीं करता है, उसका आईएसओ पता नहीं क्यों काम नहीं करता है जब उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं सिस्टम से। मेरा सिस्टम x86 सपोर्टेड है, वो उसी मतलब आर्किटेक्चर पे बेस्ड है मेरा सीपीयू, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काम नहीं करता है। बार बार कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, अलग अलग केस में अलग अलग एरर आ जाता है। जो है सो ज़्यादातर तो आता है कि ग्रब का ही जो है सो एरर आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो कहने का मतलब बेसिकली जो है सो सिस्टम में इंस्टॉल करना अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ हमसे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम में इंस्टॉल करें। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग या कोई नहीं अभी तक लगभग सिस्टम पे इंस्टॉल किए हैं, मतलब यूट्यूब पे किसी के पास ऐसा वीडियो नहीं है जो सिस्टम में इंस्टॉल करके डिस्क्राइब किया हो कि ऐसे ऐसे करना है। तो बेसिकली हम चाहते थे कि यार सिस्टम इंस्टॉल करें दिखाएं, लेकिन एक्चुअली में हुआ नहीं, पता नहीं क्यों वर्क नहीं किया, शायद इसीलिए जो है सो कोई नहीं इंस्टॉल किया। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट है कि हम इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स में, देख सकते हैं ओरेकल का वीएम वर्चुअल बॉक्स हम, तो इसी में हम इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं इसमें काम करता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इंस्टॉल करने से पहले इसका जो है सो आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लेते हैं नेट से। उसके लिए आपको ब्राउजर खोल लेना, कोई सा ही ब्राउजर खोल सकते हैं या आपकी चॉइस है। तो आईएसओ इमेज डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो टाइप करना है सोलारिसिस ओएस गूगल में या फिर किसी भी। तो एक बात याद रखिए, इस ओएस को डाउनलोड करने के लिए अलग अलग तरीका है। कभी कभी इसके मेन वेबसाइट पे उसका लिंक मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि उस ओएस तक के उसके आईएसओ फाइल पहुंचने के लिए अलग अलग तरीका, अलग अलग तरीके से आप जो है उसके आईएसओ तक पहुंच सकते हैं। दो तीन तरीका हम देखे हैं। तो उसमें से जो सबसे इजीएस्ट लगा हमको, सीधे टाइप कीजिए गूगल पे सोलारिसिस ओएस, और यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाता है ओरेकल सोलारिसिस 11 ओरेकल इंडिया, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो बेसिकली ये सीधे सोलारिसिस 11 के जो है सो पेज पे ले जाएगा, लैंडिंग पेज पे। तो सोलारिसिस का वेबसाइट खुल चुका है, देख सकते हैं। इसका जो यूआरएल है वो है www.oracle.com/in/forward/solarisis/solarisis11। तो ये है इसका वेबसाइट, पूरी तरीके से नहीं खुला है क्योंकि मेरा नेट कनेक्शन स्लो है ऑब्वियसली, डेटा कनेक्शन हम खत्म कर चुके हैं जियो वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डाउनलोड सोलारिसिस ओरेकल सोलारिसिस, तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट खुल चुका है ओरेकल सोलारिसिस डाउनलोड। तो इंस्टॉलेशन फ्रॉम सीडी डीवीडी यूएसबी, ये जो है ये क्या है, ओरेकल सोलारिसिस 11 डेटा सीट क्या है, तो इस पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन फ्रॉम सीडी डीवीडी और यूएसबी, उसके बाद ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट है, उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीके का इंस्टॉलर है, एक टेक्स्ट इंस्टॉलर है, एक ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर बूट इमेज है। तो टेक्स्ट इंस्टॉलर जो बेसिकली है, ये देख सकते हैं आइडियल फॉर इंस्टॉलिंग ए बेसिक सर्वर, ठीक है। ये 1 GB का फाइल है, तो ये इंस्टॉलिंग बेसिक सर्वर के लिए जो है सो ये जो है सो ठीक है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से फुल इंस्टॉल करना है तो ये वाला इंस्टॉल करें। तो इसमें होता है बेसिकली करने के बाद आपको नेट कनेक्शन होना चाहिए, और ये बेसिकली अपना सारा फाइल जो 1 GB का होता है, जितना जीबी का होगा उतना जीबी का इंस्टॉल कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पार्क का तो आपका नहीं होगा, आपका आर्किटेक्चर सीपीयू का, ये बेसिकली सन माइक्रो सिस्टम का जो है मतलब
सीपीयू का आर्किटेक्चर जो भी है, यहाँ पे x86 ही हमको चाहिए। तो x86 वाले पे ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन इंस्टॉलर बूट इमेज जो है इस पर क्लिक कर देना है। यूएसबी वाले पे नहीं क्लिक करना है, ऑटोमेटेड इंस्टॉलर बूट इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यूएसबी वाला बेसिकली .usb करके जो उसका जो मतलब फाइल आता है, यूएसबी इमेज उसको डाउनलोड करता है, लेकिन उससे भी करने की कोशिश की है, लेकिन जो सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। और ऊपर वाला आईएसओ से भी किए, उसको बर्न करके तो कोशिश किए तो नहीं हुआ। तो अंत में हम सोचे कि यार इसको वर्चुअल बॉक्स में करके देखते हैं, तो इसलिए अब वर्चुअल बॉक्स में करेंगे इसको। तो ये बेसिकली खुल गया, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो यूजर नेम जो और पासवर्ड अब डालिएगा, तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ओरेकल पे आप एक अकाउंट क्लिक कर दीजिए, और जब यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा तो बेसिकली ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। बस यही तक प्रोसीजर है इसका डाउनलोड करने का, ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं कि वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं। वर्चुअल बॉक्स ओपन हो चुका है, तो बेसिकली जब वर्चुअल बॉक्स जब ओपन हो जाएगा, तो ये वर्चुअल बॉक्स देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मेरा वर्चुअल बॉक्स नया है, लेटेस्ट इंस्टॉल किए हैं, इसलिए जो है सो ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है थोड़ा पुराना होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको न्यू पे क्लिक करना है, आपका जो भी हो डजेंट मैटर। उसके बाद इसका नाम डालना है सोलारिस, SOLARIS। ये टाइप ऑटोमेटिक ले लेगा सोलारिस, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ले लिया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, BSD, IBM OS, Mac OS X, ये सब सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे फिलहाल सोलारिस डालते हैं, उसके बाद वर्जन सोलारिस 64 बिट, ये क्या है 64, सोलारिस 10 64 बिट। और यहाँ पे चूंकि हमारा सोलारिस ओरेकल सोलारिस 11 है 64 बिट, तो ओरेकल सोलारिस 11 64 बिट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद बेसिकली रैम देना है, तो इसको 1 1.5 GB 1.5 GB रेकमेंडेड मेमोरी साइज है 1.5 GB, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2 GB कर देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट कर देंगे, उसके बाद वीडियो वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद डायनेमिकली एलोकेटेड, उसके बाद रैम की बारी आई, यही ना सॉरी स्पेस की, रैम तो दे चुके हैं। अरे 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 अरे, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक क्लिक हो चुका है, ऑटोमेटिक क्लिक हो गया वो कीबोर्ड पे, सॉरी टच पैड पे मेरा हाथ था, तो इसलिए। चलिए फिर से क्रिएट कर लेते हैं, हम क्रिएट करते हैं वहीं तक। उसके बाद हम लोग को इसको बेसिकली 10 GB स्पेस दे देना है बेसिकली, तो 10 GB हम स्पेस दे रहे हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं। तो उसके बाद बेसिकली इस पे राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है आपको स्टोरेज पे, स्टोरेज पे एम्प्टी पे क्लिक करने के बाद सोलारिस VDI के नीचे एम्प्टी है, उसके बाद इस छोटे से जो सीडी का जो आइकन है उस पे क्लिक करके चूज वर्चुअल बॉक्स फाइल जो भी है उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जहाँ भी वो ISO इमेज स्टोर होगा वहाँ पे बेसिकली जाना है, और उसके बाद उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हो गया, देख सकते हैं 380 MB का है। उसके बाद आपको उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है और हो जाएगा। उसके बाद हिट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये स्टार्ट कर लेगा बेसिकली, हो जाए स्टार्ट, हो जाओ, खुल जा सिम सिम, खुल गया। पता नहीं यूएसबी से तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन इससे काम कर जाए, देखिए इससे काम कर गया, बहुत गुस्सा आ रहा हमको इस बात पे, उससे तो काम नहीं कर रहा था।
तो देख सकते हैं ये वर्क कर गया, और बेसिकली पता नहीं क्यों यूएसबी से काम नहीं कर रहा था, लेकिन इससे जो है सो देख सकते हैं जीएनयू ग्राफ वर्जन जो भी है अर्न आप शनाप ले लिया है, और यूएसबी से जो है कि नहीं ले रहा था। हम फिर भी अगर हुआ तो यूएसबी से भी बनाने का कोशिश करेंगे और देख के काम करता है कि नहीं। तो फिलहाल तो इससे काम कर गया। यू हैव क्लिक द माउस इन साइड द वर्चुअल बॉक्स डिस्प्ले और प्रेस द होस्ट की, दिस विल कॉज द वर्चुअल बॉक्स टू कैप्चर द होस्ट माउस पॉइंटर ओनली इफ द माउस पॉइंटर इंटीग्रेशन इज नॉट करंटली सपोर्टेड द। तो उसके बाद इसमें से क्या सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिक इंस्टॉल कस्टम, उसके बाद पता नहीं क्यों क्या सेलेक्ट करें समझ में नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाला ही जाएंगे, इंस्टॉलेशन कस्टम वाला जो भी है, क्योंकि सारा चीज़ हमको कस्टम में करना पसंद है। और देख रहे हैं लोड ले रहा है, तो इसको प्रोसेस को होने देते हैं। 95% डन, ये बड़ा हो गया, देख सकते हैं। ओरेकल ये क्या आया यार, इसके द वर्चुअल मशीन रिपोर्ट दैट द गेस्ट ओएस सपोर्ट्स माउस पॉइंट इंटीग्रेशन, दैट मींस दैट यू डू नॉट कैप्चर द माउस पॉइंट विल बी एबल टू यूज द गेस्ट ओएस ऑल माउसेस। ओके, उसका सन ओएस रिलीज सोलारिस 5.11 वर्जन 64 बिट कॉपीराइट जो भी है ओरेकल। काम कर गया, लेकिन जो भी हो पता नहीं क्यों, तो जब कस्टम इंस्टॉल किए तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। तो फिर से हम उसको जो है कस्टम इंस्टॉल की जगह जो है ऑटोमेटेड इंस्टॉल में जो है सो सबसे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किए हैं, और बेसिकली उसके बाद शायद काम कर रहा है जो भी है, कुछ ना कुछ तो बता रहा है एटलीस्ट। तो देखते हैं उसके आगे क्या होता है। पता नहीं काम नहीं कर रहा था ये, चूंकि फुल इंस्टॉल होने वाला है तो ऑफ कोर्स इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो इसको इंटरनेट कनेक्शन मिल नहीं रहा था, तो इसलिए हम इसको ऑफ करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, और होपफुली इस बार इंटरनेट कनेक्शन मिल जाए। इस बार थोड़ा सेटिंग किया, इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो बेसिकली हम ऑटोमेटेड इंस्टॉल पे ही क्लिक करेंगे एज ऑलवेज। पता नहीं क्यों इस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा प्रॉब्लम आता है यार, और दूसरी बात है कि ऑनलाइन उतना हेल्प भी नहीं है इसके रिगार्डिंग कि आप कहीं से हेल्प भी ले लीजिएगा, और यही बहुत ही प्रॉब्लम है। एक बार और बता दें कि ये जो बेसिकली बूट लोडर के तौर पे जो है यूज़ करता है ग्रब को, और ग्रब जो है और उसके बाद इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो है उसमें ये जीनोम जो है यूज़ करता है, तो इसलिए बेसिकली कह सकते हैं कि ये लिनक्स की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली में लिनक्स नहीं यूनिक्स है। वेल इस बार जो है बड़े मेहनत के बाद ले लिया है कस्टम मोड में, लेकिन कस्टम में एक चीज़ जो पिछली बार गलती कर रहे थे वो ये था कि मशीन को हम एक्चुअली में नेटवर्क नहीं दे रहे थे, तो नेटवर्क देने के लिए आप बेसिकली सीधा ये जो ऊपर में है मशीन उसके सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे नेटवर्क है इस पर क्लिक कीजिए, और एडेप्टर वन है तो इसमें जो है सो अटैच टू ओनली होस्ट ओनली एडेप्टर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आ जाएगा वर्चुअल बॉक्स होस्ट ओनली इथरनेट एडेप्टर, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए उसके बाद बूट कर गया है यहाँ तक बेसिकली, ये सब जो भी है बोला। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम हम डाल देंगे उत्सव, और पासवर्ड में डालेंगे कुछ भी जो भी है। अरे यार क्या हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। तो बेसिकली यूजर नेम में आपको डालना है रूट, और पासवर्ड में आपको डालना है सोलारिस। पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं पढ़े हुए थे किसी डॉक्यूमेंट में कि इसका पासवर्ड होता है सोलारिस, तो इसलिए हम तुक्का मार के देखे कि यार यूजर नेम डाल देते हैं उत्साह सॉरी रूट, और पासवर्ड डाल देते हैं सोलारिस। तो ये जो देख सकते हैं खुल गया है, रूट पे आ चुका है, और बेसिकली काम कर रहा है। तो
अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद चूंकि ये टेक्स्ट मोड टर्मिनल टाइप का है तो इसमें इंस्टॉल करना हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, कैसे इंस्टॉल करें। बेसिकली डायरेक्ट ये खुल चुका है। अरे हाँ यार, हम एक बात बताना भूल गए कि ये एक्चुअली में एक यूएसबी आईएसओ है, मतलब इसको रन करना है यूएसबी से, इसको एक्चुअली में इंस्टॉल नहीं करना है, ये इस एक्चुअली में यूएसबी पे ही रन करता है, और यही वजह है कि ये सीधे ओपन हो गया है। ठीक है, तो एक तरीके से सोलारिस जो है सो यूएसबी में काम कर गया, पता नहीं क्यों ये यूएसबी से काम नहीं करता है लेकिन इससे काम कर गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, कुछ नहीं काम, किसी काम का नहीं होगा वैसे तो। पता नहीं क्यों यूएसबी से मतलब स्टिक पे काम नहीं किया, इस पे काम कर गया, कोई इशू कोई कुछ नहीं, अलग अलग तरीके का एरर आ सकता था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वैसे कुछ खास नहीं था इस वीडियो में, बस बेसिकली इंस्टॉल हो गया। तो आप ऐसे ही करके ही जो है सो इंस्टॉल कर सकते हैं सोलारिस को। इसमें कहें इसको इंस्टॉल करने का सभी अलग अलग तरीका बताते हैं, और ये इतना मतलब दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से ज़्यादा टफ है, इतना ईजी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक से बहुत बहुत मेहनत करने के बाद जो है सो इतना तक पहुँचे हैं। तो इससे आपको सीखने को मिला होगा कि सोलारिस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली अपने सिस्टम में शौक के तौर पे कि यार हम भी इंस्टॉल करेंगे कैसा होता है, तो इंस्टॉल करना है इसको टफ है, पहले ही बता दे आपको, हो सकता है ना इंस्टॉल हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे देखते हैं यूएसबी, मेरे ख्याल से उनका बीटा वर्जन था यूएसबी वाला, पहले उस यूएसबी का ऑप्शन नहीं था, अब आया है तो मेरे ख्याल से वो बीटा होगा, तो इसलिए जो है सो इसे लिखा तो नहीं था कहीं पे बीटा, तो इसलिए बग्स था, काम नहीं कर रहा था, और इसीलिए जो है सो हो नहीं रहा था, लेकिन इस पे काम कर चुका है, देखिए हो चुका है, आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं बेसिकली आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।